बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ स्टोर के किसी भी चीज़ का मुरब्बा बनाते वक्त शीरा तैयार करने के लिए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि धात का चम्मच बहुत गर्म हो जाता है और इससे हाथ भी जलेगा, जबकि लकड़ी का चम्मच गर्म ना होगा और काम आसानी से हो जाएगा। वैसे प्लास्टिक या लकड़ी के दस्ते वाले धात के चम्मच भी इस्तेमाल हो सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों पर अगर धब्बे पड़ जाए या चिकनाहट महसूस हो तो गर्म पानी में नमक, सिरका एक चम्मच, सुहागा एक चम्मच डालकर बर्तन सर्फ से धो लें, फिर सूती कपड़े से खुश कर लें। बर्तन साफ सुथरे और नए मालूम होंगे। ताले में अगर बारिश का पानी दाखिल हो जाए या ताले को जंग लग जाए तो ताले में मिट्टी का तेल 2-3 कतरे टिपकाकर धूप में रखें, ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किताबों की अलमारी में पुदीने या नीम के पत्ते रखें। अगर फिर भी सीलन की ज्यादती से किताबों को कीड़ा लगे तो फिनाइल की गोलियाँ रख दें। किताबें हमेशा नई और खूबसूरत रहेंगी। दीमक का खात्मा करने के लिए मिट्टी का तेल छिड़कें, दीमक फौरन खत्म हो जाएगी। कच्चे घरों में दीमक छतों की दुश्मन होती है। बास घरों में रात के खाने के बर्तन और सॉस पैन वगैरह रख दिए जाते हैं और सुबह को काम करने वाली आती है तो वो धोती है। ऐसी सूरत में जब बर्तन आपने रात भर बगैर धोए रखने हों तो डोंगे और देगचियों में गर्म पानी और थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल दिया करें। इस तरह चिकनाई बआसानी उतर जाती है और बर्तन धोने का काम आसान हो जाता है। पुरानी नेल पॉलिश जो खुश्क होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हो, इसे थोड़ी देर गर्म पानी में रखें ताकि वो नरम होकर काबिले इस्तेमाल हो सके। कोई जहरीली चीज गलती से खा जाने पर 60 ग्राम नमक पानी में घोलकर पिलाएं, इससे के होगी जिसके नतीजे में जहरीली अशिया फौरन बाहर आ जाएगी। सब्जियां ताज़ा रखनी हो तो इन्हें ठंडी खुश्क जगह पर रखें। जब आपको लगे सब्जियाँ खुश्क हो रही हैं, इन पर पानी का छींटा दे या पानी में भीगा कपड़ा इन पर डाल दे। पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक वगैरह दिन में 2-3 बार उलट पुलट करके रखें ताकि गल सड़ ना जाए। अदरक महफूज करने के लिए इसे रेत या मिट्टी में दबा दें और पानी का छींटा देती रहे, इस तरह अदरक खुश्क नहीं होगी। ऊंट की हड्डी को अपने सहन में जमीन के अंदर दबा दें। दीमक है तो खत्म हो जाएगी, नहीं है तो लगेगी नहीं। टमाटरों को हल्का सा उबालें, इसमें 1 चाय का चम्मच चीनी और सिरका मिलाकर पीस लें और इसे महफूज कर लें। जब भी इस्तेमाल करेंगे ताज़ा टमाटरों का मज़ा आएगा। खाना पकाते वक्त चूल्हे पर चिकनाई जम जाती है, नहायत मुश्किल से साफ होती है। इसका एक आसान हल ये है, सोडा और सिरका मिलाकर चूल्हे पर मल दें, चूल्हा साफ शफाफ हो जाएगा। अगर आपको घर में बदबू महसूस हो या फिर आप अपने घर में खुशबू लाना चाहते हैं तो फिर माल्टे के छिलके उबाल कर इनमें दालचीनी या लौंग शामिल करके इसकी भाप घर में दें। बहुत ही अच्छी महक का एहसास होगा, आपका घर मुअत्तर हो जाएगा। टमाटर इकट्ठे महफूज करने हो तो इन्हें वैसे ही फ्रिज में ना रखें, बल्कि इन्हें ग्राइंड करके किसी बर्तन में डालें और फ्रीजर में रख कर फ्रीज कर लें। इस तरह टमाटर कई माह तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुकम्मल टमाटर फ्रीज से इनका जायका बदल जाता है। टमाटर अगर कच्चे हों और सुर्ख ना हों तो इन्हें अखबार के कागज़ में लपेट कर रख दें, 2-4 दिन बाद सुर्ख हो जाएंगे। टमाटर का छिलका उतार कर इस्तेमाल करना हो तो इन्हें पानी में कुछ देर के लिए उबालें और फिर छिलका उतार लें। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो 1/2 चाय का चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें, चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। नींबू का अचार खराब होने लगे तो इसमें चीनी डालें और अगर आम का अचार खराब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें। इस अमल से अचार खराब नाखूनों को टूटने से बचाने के लिए मेहंदी के पत्ते लेकर पीस लें और ज़रा से मक्खन में मिलाकर रात को नाखूनों पर लगा लें। नाखून नहीं टूटेंगे और इनका भुरभुरापन दूर हो जाएगा। मछली को तलने से पहले इस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया जाए तो कतले तलते वक्त टूटेंगे नहीं। उनके कपड़े महफूज रखने के लिए नीम के फूल सुखाकर कपड़ों की तह में रख दें, कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा। प्लास्टिक के बर्तनों से हल्दी के दाग दूर करने के लिए बेसन से रगड़ कर इन्हें धोएं। प्लास्टिक के बर्तनों की पिलाहट दूर करने के लिए बर्तनों में मीठा सोडा लगाकर प्लास्टिक की थैली में 1 घंटे के लिए बंद करके रख दें, फिर लीमो और सिरके से धो लें। बांस का फर्नीचर या टोकरियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर ये मिली हो जाए तो इन्हें नमक मिले पानी से धोया जाए तो साफ हो जाती हैं। खवातीन अक्सर सब्ज मिर्चों को हाथ में पकड़कर काट लेती हैं जिससे जलन होने लगती है। मिर्चों को लकड़ी के तख्ते पर रख कर इस तरह काटें कि आपके हाथ को लगने ना पाए। अगर कभी बेदिहानी में लग जाए तो कपड़े धोने वाला नील पानी में घोल कर इसमें हाथ थोड़ी देर के लिए डुबो कर रखें, फिर इस पर थोड़ा सा गुड़ भिगो भिगो कर उंगलियों पर मलें, जलन दूर हो जाएगी।
चाय बनाने के बाद कहवा दानी में जो पत्ती रह जाती है इस पत्ती को खुश करके मिनी प्लांट या गुलाब के पौधों में डाला जाए तो पौधे खूब बढ़ते हैं। सर्दियों में लोग घरों के अंदर कोयले जलाते हैं, अगर इन जलते हुए कोयलों पर संतरे के खुश छिलके डाल दिए जाए तो सारा घर खुशबूदार हो जाएगा। पेट में दर्द हो और घर में कोई दवा भी ना हो तो थोड़ा सा नमक गर्म पानी से फांक ले, दर्द ठीक हो जाएगा। अगर छुरी को गर्म पानी में डुबोकर डबल रोटी के स्लाइस काटे जाएं तो आसानी से कट जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।